शनिवार के दोपहर स्टेट हाईवे क्रमांक 22 पर गोटे गांव कंजई के पास जबलपुर से आ रही एक ओवरलोड यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क से उतरी और पास में स्थित एक खेत के किनारे पलट गई। बस में एक सैकड़े से अधिक यात्री सवार थे। घटना में 40 यात्री घायल है तो वहीं नरसिंहपुर निवासी एक महिला मुस्कान ठाकुर की मौत हो गई है। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही गोटे गांव के एक निजी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लगी है। वहीं प्रशासन मौके की जांच कर घायलों को इलाज उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। घटना में बताया जाता है कि नरसिंहपुर बस सर्विस के क्रमांक MP49P0233 जबलपुर से यात्रियों को लेकर गोटे गांव होते हुए नरसिंहपुर की तरफ जा रही थी। करीब 52 सीट की क्षमता वाली बस में 100 से अधिक यात्री सवार बताए जाते हैं और चालक मनमाने ढंग से बस को दौड़ा रहा था। जैसे ही बस गोटे गांव के बकतरा से लगे ग्राम कंजई के पास पहुंची तो अचानक चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर एक खेत के पास पलट गई। जैसे ही बस पलटी यात्रियों में चीख पुकार शुरू हो गई। पलटी हुई बस से जैसे तैसे यात्री उतरे और मदद के लिए लोगों को आवाज लगाना शुरू किया। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर थाने से दलबल रवाना हो गया। कुछ घायलों ने फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया जिसमें पुलिस वाहनों के अलावा एम्बुलेंस के जरिए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के लाने का सिलसिला शुरू हो गया। स्वास्थ्य केंद्र में भी घायलों और उनके स्वजनों में काफी भीड़ रही। वहीं कई घायल गोटे गांव के ही एक निजी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के लिए पहुंचे। घटना में जो यात्री घायल हुए हैं उनमें कई जबलपुर पिपरिया नरसिंहपुर सहित आसपास के क्षेत्र से हैं। स्वास्थ्य केंद्र में जो घायल इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं उनमें नेहा उम्र 9 वर्ष पिपरिया, कलाबाई रामेश्वरी विश्वकर्मा 31 वर्ष गोटे गांव हेमराज विश्वकर्मा 8 वर्ष रियांशी विश्वकर्मा 10 वर्ष सोम 13 वर्ष पुष्पा 32 वर्ष भौतिक विश्वकर्मा 4 वर्ष निवासी गोटे गांव ओंकार सिंह 55 वर्ष रिमझा चोखेलाल पटेल 78 साल के गोटे गांव सियाबाई पटेल 62 वर्ष गोटे गांव रेवती 50 वर्ष बढ़िया खेड़ा सिमरन जबलपुर छोटी बाई पटेल 50 वर्ष पूर्व जबलपुर घासीराम 56 वर्ष शाहपुरा राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट तिलक शादी रिसेप्शन वेडिंग शूट जन्मदिन पार्टी जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन नेशनल हाईवे जूला मोड़ भुंडहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।